खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के कापन गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल की उपयोगिता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल जीवन मिशन योजना के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में कापन के सरपंच शंकर गौतम और गांव वरिष्ठ लोगों के साथ पीएचई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। यहां बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने भागीदारी निभाई और जल के महत्व को बताने महिलाओं, युवाओं और बच्चों में प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान गांव में जल का महत्व बताते हुए जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं, ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों ने सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम में 10 लोगों के द्वारा जल की जाँच पीएचई विभाग की टीम के द्वारा की गई, जिसके बाद लोगों को जल की स्थिति के बारे में बताया गया और ग्रामीणों को जागरूक किया गया। ये जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है मेरे गांव में सेकंड टाइम है और इसकी जागरूकता मेरे गांव में पूरा पहले से ही जागरूक लोग हैं और इसके आने से और बेहतर हो रहे हैं। हर जो जल का महत्व है उसको समझ रहे हैं। एक एक जो पानी का समस्या था और आज जो उनके घर तक पहुँचना है जो नल, उसके बारे में समझ कितने उत्सुक हैं और जागरूक होने के और उत्सुकता उनकी बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग आना कोशिश करते हैं, जैसे जल जीवन मिशन का नाम सुनते हैं और बेहतर उनको उम्मीद होती है और अच्छा वह महसूस करते हैं। भागीदारी अच्छे से निभा रही हैं और उन लोग प्रतिक्रिया में भी शामिल हुई। हाँ जी, महिलाएं ही भागीदारी है क्योंकि जल का काम महिलाओं को से होता है, क्योंकि जल लाने का काम जो भी गांव में होता है वो महिलाएं करती है। सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं की रहती थी जल से, और जो जल जीवन मिशन के आने से उसके घर तक पहुँच जाए। पहले क्या होता था कि नल से लाना पड़ता था, सार्वजनिक जगहों से लाना पड़ता था पानी, और जो उनकी वो इतने खुश हैं नल के आने से कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, उनको मेहनत नहीं करने पड़ रहा। सबसे ज़्यादा उत्साहित है महिलाएं। जल जीवन मिशन योजना हमला बहुत अच्छा लगी से गांव में सब बहुत दूर दूर ले पानी लेके आए, सबके घर में पानी आई तो हम लेकर ले बहुत अच्छा खुश हैं। आज का कार्यक्रम आज के कार्यक्रम जो है थे बहुत अच्छा हुई से बहुत खुशी हैं। हम सब कोई भागीदार रहे हैं, सब गांव में इतका अच्छा जो अच्छाई से हम उनके गांव ले चुनी से एक हम बहुत खुश हैं। आज आप प्रतियोगिता में भी शामिल हुए हैं? हाँ, प्रतियोगिता में भी शामिल हुए हैं, एक से भी बहुत खुश हैं। करके महिला समूह एक है, उसके सक्रिय महिला समूह जो है गांव में सरपंच महोदय के पास जाते हैं, उसके बाद गांव में पानी की समस्या कैसा है और हम लोग को जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में 2024 तक पुरिया में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन देना है, इसके बारे में महिला दीदी लोग को फील्ड के जो किट है उसको प्रदान करते हैं और टेस्टिंग का विधि बताते हैं कि कठोरता क्या है और आपका आयरन का गुणवत्ता कितना रहता है, तो आपका तबीयत इतना में पीने योग्य है कि नहीं पीने योग्य है, वो सब का प्रशिक्षण हम लोग गांव-गांव में जा करके दे रहे हैं पूरा जांजगीर जिला में। सर, कापन में कार्यक्रम हुआ है, महिलाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई, यहाँ पर किस तरह से जागरूकता? यहाँ शुरू से ही सर, जब से हम लोग आए हैं तब से यहाँ की महिलाएं बहुत ही सक्रिय हैं। एक बार में जो भी हम लोग समझाते हैं जल जीवन के बारे में उसके बारे में बहुत अच्छा रुझान है, क्योंकि यहाँ की महिला जानती है कि पानी की तकलीफ पहले झेले हुए हैं, तो इसके लिए वो महिला जानती हैं कि पानी की समस्या हमारे लिए जीवन में बचेगा तो अच्छी है करके यहाँ की महिलाएं जागरूक है, इसीलिए यहाँ कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य यहाँ था। जल की परीक्षण करते हैं, जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण करते हैं, जिससे हमें स्वास्थ्य में जो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है यह पता चल जाता है और हम या हमारे जनता को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह से जल का प्रयोगशाला में परीक्षण करना जरूरी है। आज दिनांक 26/1/2022 में ग्राम पंचायत कापन में जल जीवन मिशन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला जांजगीर चांपा के द्वारा 10 लोगों का जल परीक्षण किया गया और उन्हें परीक्षण परिणाम से एवं होने वाली दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। इस तरह से यह जो जागरूकता कार्यक्रम आप सबके द्वारा
सफल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक यूजर हैं तो तेज अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। पोर्टल पर हमारी खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.khabarcgnews.com।